के अभिनेता पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इसके बाद भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने की चर्चा पुरजोर हो रही है। हालांकि इसी बीच पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना पक्ष सामने रख दिया, लेकिन पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों का सियासी प्रेम जग जाहिर है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में काम कर रहे हैं, तो कई अपनी सियासी पारी शुरू करने की जुगत में लगे हैं। इस लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को आई बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। इसी बीच सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह के इनकार के बाद अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकती हैं। अक्षरा सिंह के पिता का बयान आया कि बीजेपी का फैसला सर्वमान्य होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन की जगह अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा। उसके पहले सोमवार को पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा, थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखें। अब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया ये तो वही जानते हैं। फिलहाल पवन सिंह के इनकार के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो जनता का आक्रोश है, अब उसका एहसास बीजेपी के उम्मीदवारों को भी होने लगा है। आज की तारीख में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से लोग डर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता 10 साल का हिसाब मांगेगी, पूछेगी बताओ आपने क्या किया है देश के लिए, क्या जवाब देंगे ये लोग। पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस लेने के बाद इंडिया अलायंस की तरफ से किए जा रहे वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। मैं इतना बड़ा क्या हो गया, लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार निजी कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। कौन चुनाव क्यों नहीं लड़े ये तो वही बता सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है। पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ऐसे में पवन सिंह की दावेदारी वापस लेने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्माना लाजमी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने अपना नाम वापस लिया है, पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आसनसोल में चुनाव का स्टार कनेक्शन समझिए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल है और लोकसभा सीट आसनसोल में बिहार के बहुत लोग रहते हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषी और भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग आसनसोल में रहते हैं और यही वजह है कि यहां से फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर पार्टियां भरोसा करती रहती हैं। 2019 में आसनसोल से बीजेपी की टिकट पर सिंगर बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते और तब टीएमसी ने यहां से अभिनेत्री मुनमुन सेन को मैदान में उतार दिया था। हालांकि बाद में बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया और वो टीएमसी में चले गए। तब टीएमसी ने फिल्म एक्टर और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा और आसनसोल से चुनाव जीतने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अभी आसनसोल के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को ही टक्कर देने के लिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पवन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।
कहा यही जा रहा है कि बंगाल पर गाए गए गानों की वजह से टीएमसी ने पवन सिंह के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पवन सिंह ने पार्टी के फेवर में अपना नाम वापस ले लिया। पवन सिंह के नाम वापस लेने के बाद चर्चा ये है कि भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह यहां से चुनाव लड़ सकती है, मतलब फिल्म स्टार की जगह पर हो सकता है कि किसी फिल्म स्टार को ही मौका दिया जाए। यानी उम्मीद है कि 2024 में आसनसोल सीट पर एक बार फिर से स्टार वर्सेस स्टार का मुकाबला देखने को मिले। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से नया उम्मीदवार कौन होगा।